वेक्टर। लिखो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, लिखो इट इज द एडिशन देखो इट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। लिख ले लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर इन विच वन इज नेगेटिव वेक्टर, इन विच वन इज ए नेगेटिव वेक्टर। सब्ट्रैक्शन क्या है, दो वेक्टर का एडिशन है, उसमें एक क्या है नेगेटिव वेक्टर। हम लोगों ने पहले लिखा था आर बराबर है किसके, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या ले सकते हैं इसको हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सही है ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। अब क्वेश्चन है आपको एडिशन का रूल कैसे निकालोगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा। हमने पहले बोला था कि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे हम डायरेक्शन का यूज करेंगे तो बड़ा है सर ना, तो उसी फॉर्मेट में चलेंगे। आगे देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, प्लस मान लेते हैं ये वेक्टर ए है या बी, कुछ भी मान लीजिएगा, ए वेक्टर ये है, इसको क्या माने बताओ, पहले ही माना था ना बी मान लेते, ये वेक्टर कौन सा है ए वेक्टर, ठीक है इसको ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मान लो पैरेललोग्राम से एडिशन कर लीजिए इसका, यही था। लेकिन जब पैरेललोग्राम से एडिशन करोगे दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड ही होंगे सिंपल, यस और नो। अगर हम क्या करें इस वेक्टर के अपोजिट एक और वेक्टर मान लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेम इट इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, ये क्या है माइनस, उतना ही है, समझ में आया कि नहीं आया। ये पहले एंगल कितना था थीटा उनके बीच का, तो याद है अपने उन्होंने कुछ ऐसे बना था आंसर। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, एक तो ये प्लस का एक किसका है माइनस का, इसको बोल दो अभी है सही है कि नहीं, तो क्या करोगे वाई यूजिंग पैरेललोग्राम का एक और वेक्टर बनाएंगे जो पैरेलल टू ए होगा, सही है एक और वेक्टर बनाएंगे जो पैरेलल टू बी होगा, यस आर नो। और ये क्या जगह इनका मिलेगा, यहाँ पे अभी पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो ये क्या बनेगा आर रिजल्टेंट वेक्टर, तो समझ में आ रहा है, यस सर नो। अभी मैंने एडिशन ही किया है, एडिशन ही कर रहा हूँ भाई, सिंपल पैरेललोग्राम लाओ वेक्टर एडिशन से, प्रॉब्लम क्या है एक वेक्टर क्या है, समझ में आई बात नहीं है, आई कि नहीं आई, पहली एंगल यूज किया था यहाँ पर एंगल ये देखा याद है कि नहीं, ये वही है थीटा। अब ये एंगल यूज नहीं करना मेरे को, इस तरफ वाले दिखा रहे, अब ये एंगल यूज करना है, सर हम कह रहे हैं कि नहीं रहे, कौन सा एंगल है कितना 180 माइनस थीटा, पूरा कितना है 180, ये घटा हुआ है कितना बचा 180 माइनस थीटा, वन में आया थोड़ा बहुत डायग्राम बने, एक और या बिल्कुल मर्जी आपकी है, तो मैंने बी के आउटसाइड डायरेक्ट फैक्टर बना लिया उतना ही, ये बन गया माइनस बी। आपको जोड़ना किसको है, इस ए को और इस माइनस बी को, तो तरीका का क्या बनाओगे, जोड़ना ही तो है यस और नो, जोड़ने की कंडीशंस क्या है, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर सेम है क्या माइनस बी और ए का, यस और नो, क्या ऑर्डर सेम है ए और बी का माइनस बी का, बी क्या देगा इसका। अगर आपको सिंपल ही याद हो, अगर सिंपल एडिशन हमने किया था बाई पैरेललोग्राम का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2एबी कॉस थीटा, ये सिंपल एडिशन था। अब की बार क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड निकालना, कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, आर बराबर है किसके, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस लिखो थीटा कितना ले 180 माइनस थीटा, एंगल ऑफ क्यूबर कितना है 180 माइनस थीटा, माइनस लिख
माइनस है वाई माइनस माइनस क्यों है बी माइनस क्या है क्या उसका वैल्यू माइनस क्या है डायरेक्शन ये वैल्यू बता रहा हूँ अभी पॉजिटिव ही है वो यस और नो क्या बदला सर अबे डायरेक्शन के लिए पांच मतलब बी पांच ही है भाई यस और नो इंटर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने क्या लिखवाया है मैग्नीट्यूड लिखवाया है माइनस मान लोगे इसको नहीं ले सकते भाई मन में आया कि नहीं आया डायरेक्शन चेंज हुई है वैल्यू तो वही है मन में आया कि माइनस लेके बैठ जाओ माइनस बी है भाई ये क्या है मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव फिजिक्स के अंदर माइनस मतलब इज नॉट लेस देन जीरो याद रखिए इस बात इट ऑल्सो मीनिंग यहाँ पे क्या मीनिंग है डायरेक्शन उल्टी है मन में आया यस और नो फिर होता है कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है मैंने कोस जीरो यूनिट में करवाया आपको क्या 180 पे कोस बदलेगा कब चेंज नहीं होता कोस साइन में जीरो पे 180 पे और 360 के ऊपर बदलेगा तो नहीं पक्की बात है 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड में साइन कोस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है नेगेटिव होता है यस और नो इसको पता नहीं है लिख लीजिएगा कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा इसका मतलब होता है माइनस कोस थीटा चेंज तो नहीं होगा 180 आया हुआ है कोस का कोस रहेगा अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है नेगेटिव जिन बच्चों को पता नहीं है हमने फर्स्ट यूनिट के बाद एक यूनिट करवाई गई थी जीरो यूनिट उसमें टॉपिक से ठीक है भाई कितना आंसर आएगा आर बराबर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी कोस थीटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो कोस 180 माइनस थीटा क्या किया मैंने माइनस कोस थीटा तो माइनस बार आ गया टू ए बी कोस थीटा माइनस This is the resultant of subtractions of two vectors. Any problem, class? समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes sir. Yes sir. इसके बाद निकालते हैं directions को. रब करते हैं इसको. Four directions. Direction of r. Direction of r कुछ याद है? Last time नहीं किया था. What is the value of tangent alpha? यार पता है बीटा था. अल्फा था बीटा था बीटा था पैरेललोग्राम के अंदर फोर डायरेक्शंस ऑफ आर आठ डायरेक्शंस निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला बना था टेंजेंट बीटा बराबर है पी साइन थीटा तो क्या है प्लस ए प्लस बी कोस थीटा बस कुछ भी करना होता है दो वैल्यूज भी टेंजेंट बीटा ले लो तुम अभी भी ये करना ये एंगल कितना भाई बीटा आर और इस वेक्टर के बीच ये एंगल यही था वहाँ पे भी यहाँ पे ये था जो आर आएगा ये एंगल याद है थोड़ा बहुत बहुत बार है बी प्लस कर लियो कि माइनस कर लियो माइनस था वाई डायरेक्शन निकाल रहे हैं लेकिन ए भी क्या है ए भी क्या है मैग्नीट्यूड तो है ये अगर वेक्टर तो डायरेक्शन आते हैं उनके ऊपर अरे वैल्यू है सिंपल है और भी माइनस के लोगे ये डायरेक्शन आएगी ये थोड़ी है डायरेक्शन तो बी ए बी अलग है ए अलग है डायरेक्शन ये देगा बीटा समझ में आई बात है समझ में आई एंगल कितना है 180 माइनस थीटा व्हाट इज द साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा पक्का यस सर प्लस का कि माइनस का प्लस का देख लो डिवाइड बाई कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 12 आएगा फर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर वो 180 माइनस थीटा उसको लिया इसको ये ऊपर है साल में वो कैसे ये बीटा टेंट के बीच में वेक्टर के बीच का एंगल है समझ में आई बात है जो भी लिखने की है उसमें बैठे मैं बना चुके हूँ चलो आपको बोला दोबारा देखते हैं तो
कर दिया था ना यार, सेम टॉपिक ही है, सेम ये टॉपिक है, पर मैं ये बातें समझ में आई है। देखो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। वो पहले कौन सी हो, फर्स्ट फेल होगी, शुरू हुआ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, पहले भी करवा चुके हैं। अगर हम किसी एक वेलोसिटी की मेजरमेंट करते हैं दूसरे के हिसाब से तो क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। लिख लीजिए, देखो क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, when we compare velocity of one object with respect to other object, when we compare velocity of one object with respect to other object, velocity of other object is called a relative velocity। कुछ फॉर्मूला याद है, अगर मैं लिखूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बी, कैसे लिखा जाए, बी ए बी, क्या लिखोगे, बी ए माइनस बी बी, याद है थोड़ा बहुत, यस सर। वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर लिखें भाई, यस सर ना, यस। समझ में आई बात है, यानी सीधी सी बात है, आपको दो वेक्टर को जोड़ना है, एक वेक्टर क्या है, नेगेटिव, जोड़ सकते हो। अब की बार ये आर था, ये ए था माइनस बी, अब की बार क्या है, वी ए बी, वी ए माइनस बी। प्रथम में दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, बस एक वेलोसिटी वी बी से चल रहा है, एक वेलोसिटी चल रहा है वी बी से, वेलोसिटी कितनी होगी v, और एक जा रहा है विद वेलोसिटी v a, इसमें कोई नेगेटिव है, है भी नेगेटिव है, इसमें क्या ले लें, नेगेटिव v को नेगेटिव ले लें, तो कैसे लेंगे, इसके अपोजिट एक वेक्टर बनाएंगे सेम मैग्नीट्यूड का भी, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, उल्टी होगी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस v b, ये एंगल पहले कितना था, थीटा, अब की बार कितना है, 180 माइनस थीटा। अगर पैरेललोग्राम पूरा करता हूँ जोड़ने के लिए, तो इसके पैरेलल एक वेक्टर बना लिया, इट इज बी ए, और इसके पैरेलल एक वेक्टर बना लिया, माइनस बी बी, यस सर नो, यस सर। तो ये क्या देगा आपको रिजल्टेंट, डायगनल क्या देगा आपको, रिजल्टेंट किसके, बी ए बी, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, समझ में आया, डिफरेंस में आया भाई, कुछ नहीं बेहतरी तो कर पाओगे, डायग्राम लिख लीजिए, लेट बी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज, वी ए वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी, दो बॉडी हैं ये और बी, उनकी वेलोसिटीज है, कर पाओगे, तो हमें निकालना है अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी, वी ए बी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी। तो वी ए बी का वैल्यू कितना होता है, अंडर द रूट बताओ मेरे को, दो वेक्टर बन रहे हैं गलत बताइए, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस टू वी ए वी बी, कोस कितना ले हुए, 180 माइनस थीटा। अरे कोई भी वेक्टर हो क्या फर्क पड़ता है, इसका आंसर तो सेम आएंगे उस तरीके से, यस सर नो, यस सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 180 माइनस थीटा,
the value of AB, AB. VA square plus VB square minus 2VA VB cos theta. In problem class में कर पाओगे? Yes sir. Simple answer. देखिए next point लिखिए इसमें four direction of VAB. VAB की डायरेक्शन निकालनी है. फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए आप लोग. टेंजेंट बीटा मान ले ऐसा मानो मर्जी तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं इस बात में. टेंजेंट बीटा क्या आएगा? बी बी कौन सा आएगा? बी बी साइन 180 माइनस बीटा याद है बेबी. बी ए प्लस बी बी कॉस 180 माइनस थीटा. फार्मूला याद है कि नहीं है? फार्मूला था बी बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा. वो डायरेक्शन निकालने का फार्मूला. ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180 माइनस थीटा? बी साइन साइन थीटा प्लस की माइनस बी कितना आंसर आएगा? वी बी साइन थीटा डिवाइड बाई वी ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180 माइनस थीटा? बी बी कॉस थीटा. समझ में आया माइनस का? दिस इज द डायरेक्शन. हमने जो कल टॉपिक किया था आज दो टॉपिक किए हैं. हमने कोई डिफरेंस अभी कोई डिफरेंस. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन. बारिश हो रही है, आप बारिश में भाग रहे हो, उस हिसाब से वेलोसिटी निकाल. समझ में आ रहा है? कैसे भाग रहे हो? देखिए भाई बारिश कैसे होती है. देखिए क्लास यहाँ से बारिश आ रही है, बारिश की बूंदें आ रही है, ऐसे आएंगी ठीक है. विद सम वेलोसिटी, ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन. और यहाँ पे आप खड़े हुए हो ऐसे आ रही है ठीक है. आप आना शुरू किया कि बारिश से बचना है. ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन. क्वेश्चन ये है आपके पास छाता भी है, तो छाता कैसे करो कि भीगो ना. छाते की पोजीशन क्या होनी चाहिए? पीछे आगे बात करें सिर पे देखेंगे अभी वही बताना. आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन. जब भी हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये लिखते हैं भाई, ये करना बी ए माइनस ए. तो पक्का यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर आना चाहिए भाई. एक वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव. इसको बनाए नेगेटिव भी. इस तरफ क्या लेते हैं? माइनस बी. हम समझ में आया कि नहीं आया? क्या लेंगे इस तरफ पे? माइनस ए बी एम. ये है आपका वी आर. डायग्राम देखिएगा, दो वेक्टर बन रहे हैं. कौन से वेक्टर हैं? माइनस वी एम और ए वी आर. जोड़े तो क्या बनाओगे? पैरेललोग्राम भी. यस सर ना? यस सर. ये क्या देगा इसको? रिजल्टेंट. ये कौन सा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन है ना, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग. नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर वे. ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर वेव. रिजल्टेंट क्या था क्लास? व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर वेव? ये कॉम्बिनेशन था टू और मोर वेक्टर्स का भी, जो सेम नेचर रखता था भी. तो नाम क्या था उसका? रिजल्टेंट वेक्टर्स भी, यानी बहुतों को मिला के सिंगल वेक्टर बनाया गया. अभी उल्टा करना है अभी, एक सिंगल वेक्टर से कई वेक्टर बनाने हैं अभी. उसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स वे. उल्टा कर रहे हैं ठीक है, यानी एक वेक्टर को तोड़ के कई और वेक्टर बनाने हैं आपको, जो उसी तरह का नेचर दिखाते होंगे. इसके नाम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग रेजोल्यूशंस बोलेंगे. देख लीजिए,
लिख लीजिए, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वन वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर, इनटू टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम नेचर, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम नेचर, ठीक है। एक वेक्टर को तोड़ना है, टू और मोर वेक्टर्स के अंदर इसका नेचर क्या है, सेम हो गए, इज कॉल्ड ए, या जिसको लिखवा दिया ना, इट इज़ अ प्रोसेस भी हो गया। अभी इतना भी क्या तरीका होगा, देखिए देखो, मैंने ये बोला था कि मेरे पास दो वेक्टर हैं सेम ऑर्डर के अंदर भी, तो ये क्या देगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर, आर क्या होगा भी, ए प्लस बी, यही था। अब उल्टा बोलने, मेरे पास एक वेक्टर है आर भी, तोड़ के दो बना दिए गए ए और बी, उल्टी प्रोसेस है, इज कॉल्ड ए रेजुलेशंस। डायग्राम वही बनाएंगे, आर इज अ सिंगल वेक्टर, मेरे पास एक वेक्टर है आर, इसको तोड़ के दो बनाने हैं, अब की बार दो या दो से ज़्यादा भी कर लोगे भाई, नाम क्या है इस प्रोसेस का, रेजुलेशंस ऑफ वेक्टर्स। एनी प्रॉब्लम भाई, डायग्राम बना लो, बस यही है। यस बी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स भी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी, व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी, जो कंपोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, राइट एंगल पे होंगे, राइट एंगल्स, नाम क्या इसका, रेक्टेंगुलर, समझ में आया भी, जो कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होंगे 90 डिग्री पे होंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दो टॉपिक बनेंगे, ये है इन ए प्लेन, या क्या लिख सकते हैं इसको, टू डायमेंशन भी, सही है। व्हाट इज अ प्लेन, एनी टू डायमेंशन सरफेस में, एनी, आपका अगर टू डायमेंशन में वेक्टर को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ोगे आप लोग, ओके भी। देखो एक मैंने एक टॉपिक स्टार्टिंग में यूज किया हुआ था, इट इज ए यूनिट वेक्टर भी, उसमें मैंने कुछ वेक्टर कैसे लिखा था, 2i प्लस 3j प्लस 2k, वो i j के लिखे कैसे गए, यहाँ टॉपिक अभी आ रहे हैं, कर लोगे। तो हमारे पास एक वेक्टर है भाई इन ए प्लेन, प्लेन क्या होती है, एनी टू डायमेंशन सरफेस, तो ये x मान लेते हैं, ये कौन सी है, y, ठीक है, और ये वेक्टर a है भाई, दोनों में आया हुआ है, वेक्टर ये क्या है, दोनों में आया हुआ है, इसको तोड़ें तो कैसे तोड़ेगा, एक वो टॉपिक होता है मैथ में प्रोजेक्शन भी, प्रोजेक्शंस क्या होता है, उसको बोलते हैं परछाई भी, यहाँ पे वेक्टर जा रहा है, लाइट डाली गई ऊपर से, परछाई कहाँ पे आएगी इसकी, यहाँ पे आएगी ऐसे, सही है, यहाँ से लाइट डाली गई तो परछाई कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, समझ में आई बात है, तो ये परछाई पड़ रही है, ये किसको बता रही हैं, ये इसकी वैल्यू को बता रही है कि x में कितनी वैल्यू होगी इसकी, ए एक्स मान ले, सही है कि नहीं है, y में कितनी वैल्यू होगी इसकी, ए वाई, यानी जो हमने तोड़े हैं वेक्टर को ए एक्स और ए वाई, जो ए से टूट के आए हैं, इनका वैल्यूज़ क्या है, कैसे निकालते हैं हम, ये बताना आपको, कर लोगे डायग्राम में, कुछ एंगल भी ले लेते हैं, हेट एंगल थीटा भाई, एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 360 तक। We have a vector A in a plane XY which make angle theta, which make angle theta with x axis, which make angle theta with x axis, जो क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है किसके साथ भाई, x के साथ, कितना एंगल बना रहा है, theta angles भी, which make angle theta with एक्स एक्सिस, समझ में आई बात है? अब देखो भाई, अगर आप यूज करते हो, इसको नाम देते हैं ओ, इट इज एम एन पी, ट्रायंगल की फॉर्म में ले लेते हैं इसको, मैं यूज करता हूँ इन्हें ट्रायंगल्स भी, कौन सी ट्रायंगल है, ओ एन पी, देख रहे ये ट्रायंगल भी, ओ एन ए पी,
क्या इस कंडीशंस में आप ट्रायंगल सिला लगा सकते हो भाई? याद रखिए ये वेक्टर ए एक्स है, ये वेक्टर क्या भाई? लगे आपको इट इज ए वाई, इट इज लाइक ए पैरेललोग्राम ला अभी, यस आर नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वी क्लास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एन वैक्टर? ओ एन इज अ रिजल्टेंट वैक्टर, अपोजिट ऑर्डर में भाई, किसके बराबर होगा? ओ पी वैक्टर प्लस पी एन वैक्टर भी, समझ में आया? व्हाट इज ओ एन, नाम दे रखा है मैंने इसको, इट इज ए वैक्टर, ओ पी इज ए एक्स वैक्टर, पी एन इज ए वाई वैक्टर भी, सही है? यानी सीधी सी बात है, ए वाई ए दो भाग में टूट गया भाई, कौन से भाग? ए एक्स और ए वाई, जो एक दूसरे के क्या हैं, 90 डिग्री पे हैं, इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। समझ में आई बात है? यस आर नो? किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था? फर्स्ट यूनिट में मैंने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट में हम लिखते थे ए का मैग्नीट्यूड और ए का यूनिट वैक्टर्स, तो बताने पड़ेंगे कि ए एक्स कितना है, ए वाई कितना आपको भी। उसके लिए क्या मान लेते हैं, लेट आई क्या है अभी, आई एंड जे ये क्या हैं, आर द यूनिट वेक्टर, कौन से वेक्टर हैं ये? यूनिट वेक्टर, हाँ जी कर लेंगे सर, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी, एक्स एंड वाई एक्सिस भी। आई और जे क्या हैं? आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी। याद रखिए तीन होते हैं एक्स वाई जेड, एक्स के अकॉर्डिंग आई लेते हैं हम लोग हमेशा, वाई के अकॉर्डिंग जे लेते हैं, जेड के अकॉर्डिंग के लेते हैं भी, ठीक है? तो आई जे के क्या हैं, इसके यूनिट वैक्टर्स हैं भी। अगर आप उसको ए एक्स वैक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ए एक्स किसके अकॉर्डिंग आ रहा है अभी, ए एक्स एक्स के अकॉर्डिंग है, यस सर नो? कितना ये क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड इसका मान लेते हैं, ए एक्स अभी जो यहाँ पे गिरेगी इसकी परछाई, वो क्या है इसका मैग्नीट्यूड, यस सर नो? डायरेक्शन क्या है एक्स के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन कौन देगा आपको, यूनिट वेक्टर पे, किसके अकॉर्डिंग है, आई के अकॉर्डिंग। समझ में आया? मैंने इसको वेक्टर कैसे लिखा है, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट वेक्टर पे, समझ में आई बात भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, ए वाई किसके अकॉर्डिंग है, y के अकॉर्डिंग, तो कौन सा वेक्टर लग रहा है y के अकॉर्डिंग, j। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखोगे a वेक्टर को, व्हाट इज a, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, समझ में आई बात है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, अपने वैल्यू निकाल लिया है वेक्टर a का इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस भी। तो वेक्टर क्या बन गया, ए वेक्टर बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये बता रहा आपको, ये वैल्यू बता रही है कि ये इसका वैल्यू है, ये इसकी डायरेक्शन से भी, ये इसका वैल्यू है, इसकी क्या है, डायरेक्शन से भी। समझ में आई बात है? तो अब क्वेश्चन ये है कि ए एक्स और ए वाई का वैल्यू कितना, एक्चुअल में क्या वैल्यू निकल सकता है? ये तो मैंने बोला ना परछाई डालेंगे ये बनेगा, एक्चुअल वैल्यू क्या है इसका भी? इतना हो गया भी क्लास, तब करते हैं उसके लिए मैं फिर ट्रायंगल्स यूज करता हूँ। इन द ट्रायंगल्स ओ एन पी, वही ट्रायंगल यूज करते हैं, इन द ट्रायंगल ओ एन पी दिख रही है, ओ एन पी ट्रायंगल्स, क्या इस ट्रायंगल से आप कोस थीटा निकाल सकते हो? कोस थीटा कितना आएगा, ट्रायंगल में एंगल भी बना रखा मैंने, तो क्या आता है बेस बाई, तो क्या बोलोगे ओ पी बाई ओ एन बी, यानी ए एक्स बाई ए, इन टर्म ऑफ वैल्यू देखी जाए तो वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमको, भी कर लोगे, इसका वैल्यू कितना है ए एक्स, इसका वैल्यू कितना है ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स भी, ए कोस थीटा, तो एक एक्स वैल्यू आ गया मेरे पास भी, किस टर्म में, इन टर्म ऑफ वेक्टर ए कोस थीटा। समझ में आई बात भाई? इसी ट्रायंगल्स के अंदर साइन थीटा निकाल सकते हो, कितना आएगा,
एन पी बाई ओ एन भी, एन पी बाई ओ एन सही है। व्हाट इज एन पी? ए वाई। व्हाट इज ओ एन? ए। व्हाट द वैल्यू ऑफ ए वाई? ए साइन थीटा भी। कितना आएगा? ए साइन थीटा। समझ में आई बात भाई? हो जाएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? थीटा निकालना पड़ेगा भाई, और उसके लिए क्या चाहिए मेरे को? टेंजेंट निकालते हैं एंगल के लिए मैं सब। इसी ट्रायंगल्स में अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा भी? ले सकता हूँ ए वाई बाई ए एक्स भी। सही लिखा मैंने? तो ये चीज़ें हैं सारी भी, ये वैल्यू और कहाँ गई कोस वाली, ये वैल्यू। ये क्या निकला दी हम लोगों ने? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उनकी डायरेक्शन के साथ, उनकी वैल्यू के साथ भी। समझ में आई बात भाई? दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन भी। देखो भाई टॉपिक हो गया, समझ में आया थोड़ा बहुत? कुछ नहीं करना आपको, रिजोल्व करने हैं। इस वर्ड को क्या बोलते हैं? रिजोल्व करना भी, तोड़ना भी। एक वैक्टर को टू और मोर वैक्टर्स के अंदर भी, इन प्लेन में तो दो एक्स वाई में होगा, इन स्पेस की बात करोगे तो क्या होगा? एक्स वाई जेड भी होगा। समझ में आई बात भाई? वो भी नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो भी वही होगा। इतना हो गया अभी क्लास। देखो जब हम इसको काम करते हैं इस पर हम लोग, जब कोई क्वेश्चन निकालेंगे, कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो कैसे करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी? रब कर दें इसको। आपसे कई टॉपिक में, कई टॉपिक है जिसमें इस टॉपिक का यूज़ किया जाएगा अभी। तो कैसे करोगे? आपको बोला जाएगा किसी वैक्टर को तोड़ो भाई एक्स और वाई में। अब ये हर बार ये टॉपिक पूरा तो करोगे नहीं आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैसे करोगे? मान लेते हैं वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है भाई, यस सर ना? क्वेश्चन करेंगे रिजोल्व वेलोसिटी इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी। कई जगह पर लिखा जाएगा ये रिजोल्व वेलोसिटी इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रिजोल्व करना तोड़ना भी। तो कोई एंगल बनाया होगा भाई, यस सर ना? तो याद रखिए जंप भी एंगल बना होगा भाई, जिस लाइन पे वो हमेशा कोस का होगा भी। तो क्या लिखोगे इसको? वी कोस थीटा। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा? वी साइन थीटा। समझ में आई बात? हमने ऐसे ही किया अभी, ये ए था अभी, इस तरफ क्या था देखो, ए एक्स आ था, ए एक्स की वैल्यू क्या थी? ए कोस थीटा। चेक कर लो, ए यहाँ पे ए वाई था, ए वाई की वैल्यू कितनी थी? ए साइन थीटा। तो कैसे करोगे? जहाँ पर भी एंगल बना हुआ है, कोई भी चीज़ को करना हो रिजोल्व, कुछ भी मान लेते हैं, दिस इज एनी वैल्यू भी, आर कोई वेक्टर है भी, ठीक है, एंगल यहाँ बना दिया, कुछ भी हो सकता है एंगल भाई, यस आर नो? तो जहाँ पर भी एंगल बना होगा वो क्या होगा? हमेशा कोस होगा, तो इट इज़ आर कोस थीटा। और इसके बिल्कुल 90 भी क्या होगा? आर साइन थीटा। ऐसे करेंगे रिजोल्व हम लोग।